आज देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु बाबा महाकाल की पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको रतलाम के एक ऐसे शिव मंदिर में ले चलते हैं जिसे भूल भुलैया वाला शिव मंदिर भी कहा जाता है। क्या है इस मंदिर का इतिहास और लाखों लोगों की क्यों है इस मंदिर से आस्था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। सारा जग है प्रभु तेरी शरण में, सिर झुकाते हैं शिव तेरे चरण में, हम बने भोले की चरणों की धूल, आओ शिव जी पर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। प्राचीन शिव मंदिरों के बारे में तो आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन रतलाम के बिलपाग गांव में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जिसे भूल भुलैया वाला शिव मंदिर और विरूपाक्ष महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर देखने में जितना खूबसूरत और प्राचीन है उतना ही चमत्कारिक भी है। इस मंदिर के चारों कोनों में चार मंडप बनाए गए हैं जिसमें भगवान गणेश, माँ पार्वती और सूर्य देव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में नक्काशीदार 64 खम्भे लगे हैं, लेकिन इन खम्भों की एक बार में सही गिनती करना किसी के बस की बात नहीं है। बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी इन खम्भों की गिनती करने में भूल कर बैठता है। मंदिर के अंदर 64 खम्भे हैं जो शिलालेख के अंदर अंकित है, बाकी गिनने पे पुनः संख्या प्राप्त नहीं होती, कभी 50 हो जाते हैं, कभी 55 हो जाते हैं, कभी 75 हो जाते हैं। वैसे तो इस मंदिर में भक्तों का हमेशा ही तांता लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि के दिन में मंदिर गुलजार होता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ के दर पर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर में बटने वाले प्रसाद के चखने मात्र से ही माताओं की सूनी गोद भर जाती है और जब संतान सुख की प्राप्ति होती है तो दंपति अपने बच्चों को लेकर मंदिर में मत्था टेकने जरूर आते हैं। यहाँ बच्चों को मिठाई, शक्कर, गुड़ और अन्य सामग्री से तोले जाने की भी परंपरा है और खीर यहाँ पर जो भी लेते हैं परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं, पुत्र की कामना पूरी करते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर 2000 करीबन बच्चे तुलते हैं, आज भी एक बच्चा तुला है। अभी अब शिवरात्रि पर्व के ऊपर 150 बच्चे रोज आकर के तुलते हैं जिनकी कामना पूरी होती है। अगर इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर को संरक्षित घोषित किया जा चुका है। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। रतलाम से राजेश पुरोहित के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।